सोनिया गांधी की वर्चुअल बैठक में एनसीपी, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने विचार मंथन किया। मानसून सत्र खत्म हो चुका है, संसद के बजाय अब सड़क पर उतरने की जरूरत है। सड़क पर संघर्ष के लिए सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ऐसे में विपक्ष मोदी सरकार के विरोध के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गया है। इस बैठक में बीएसपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर एनसीपी, टीएमसी, डीएमके समेत कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन विपक्ष काफी सक्रिय नजर आ रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली हार ने विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं। इसके बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरा कर एकजुटता की कोशिशों को हवा दी। ममता ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें एकजुटता के लिए प्रयास करने की सलाह दी। ममता की इन कोशिशों से समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होकर विपक्षी एकजुटता का चेहरा बनने का मन बना चुकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के सामने समस्याएं हैं। एक तो हिंदी भाषी राज्यों में ना तो वो बहुत लोकप्रिय हैं, ना ही टीएमसी की बहुत पैठ है। दूसरे, खुद विपक्षी दलों को उनका नेतृत्व स्वीकार करना होगा, इस पर संदेह जताया जा रहा है। शरद पवार भी विपक्षी एकजुटता के लिए सक्रिय हुए हैं। ममता के रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की पहल पर पवार ने अपने घर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई थी, हालांकि इसमें बहुत से दल शामिल नहीं हुए। यही दिक्कत कांग्रेस के साथ भी है। राहुल को विपक्ष के चेहरे के तौर पर कितना पसंद किया जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि विपक्ष में उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरे मानसून सत्र में उन्हें विपक्ष की अगुवाई करते देखा गया। उन्होंने 16 दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। उनके बैठक में बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार की पार्टियों के साथ शिवसेना, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरसीपी जैसे 14 दलों ने उनका न्योता स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने संसद तक सभी सांसदों के साथ मिलकर साइकिल भी चलाई। बावजूद इसके राहुल गांधी खुद भी अनिच्छुक नजर आते हैं। हालांकि पिछले दिनों उनके ट्वीट से साबित हो गया कि अपने चेहरों को लेकर उन्हें बहुत मोह नहीं है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जब विपक्ष के साथ नाश्ता करने की तस्वीर पोस्ट की गई तो कैप्शन दिया गया, हमारा देश, हमारी जनता, हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारत को आगे रखने के लिए एकजुट है। वहीं दूसरे ट्वीट में महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा की तस्वीर पोस्ट की तो साथ में लिखा, न हमारे चेहरे जरूरी हैं, न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। ये ट्वीट बताते हैं कि विपक्षी एकता के मामले में कांग्रेस ने लचीला रुख अपना लिया है। विपक्ष की अगुवाई के मामले में भी राहुल की राय यही बताई जाती है कि कांग्रेस लोकसभा की कुल सीटों की हाफ ऑफ द हाफ सीट यानी 136 सीटें नहीं जीत लेती तब तक ये सोचना जल्दबाजी होगी। बीजेपी को लगता है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्योंकि उसका कांग्रेस मुक्त अभियान रंग ला रहा है। ऐसे में विपक्ष का चेहरा तय करना विरोधी दलों की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कई नेताओं का मानना है कि नेतृत्व से ज्यादा अहम मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे उठाना बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद विपक्ष की मुश्किल राज्यों को लेकर है। खुद सीपीएम ममता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर मोदी का विरोध करने को तैयार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुश्मनी बरकरार है। इस तरह पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल दोनों किसान बिल को लेकर मोदी सरकार का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में रंजिश इस कदर है कि संसद के बाहर ही रवनीत बिट्टू और हरसिमरत कौर में नोकझोंक शुरू हो गई। वहीं अखिलेश यादव भी एलानिया तौर पर कह चुके हैं कि यूपी चुनाव में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन वो बड़ी पार्टियों से रिश्ता रखने के लिए कतई तैयार नहीं है। वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं जो मुद्दों के आधार पर मोदी सरकार का समर्थन करते तो नजर आते हैं, लेकिन वो पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं है। मसलन बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति। ऐसे में विपक्ष को ऐसे साख वाले चेहरे की जरूरत है जो पूरे विपक्ष को एकजुट कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट।